आज एक संदेश और दिया जाएगा कि अगर वो एक होकर मोदी के खिलाफ वोट दे सकते हैं तो हम भी एक होकर इस देश के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और दिल्ली की भलाई के लिए, देशद्रोहियों और नक्सलवादियों को सबक सिखाने के लिए वोट दे सकते हैं। इसी का ये चुनाव है और आज एक निर्णायक ऐतिहासिक पल है। और मुझे केवल इतना ही कहना है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, घर घर भगवा छाएगा, राम राज तब आएगा। जय श्री राम। हंड्रेड परसेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मेरे को ये लगता है कि 5 साल का धोखा, 5 साल की चीटिंग, 5 साल का देशद्रोह, 5 साल हमारी सेना पे सवाल उठाना, 5 साल टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाना, हर चीज का हिसाब किताब आज पोलिंग सेंटरों के अंदर होने जा रहा है। कपिल जी, पूरे अगर इलेक्शन की रैलियों की बात करें या ऐसे, तो आप काफी सुर्खियों में रहे किसी ना किसी बयान की वजह से, मिनी पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो, और आपके पास नोटिस भी आया, उस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे को ये लगता है कि पूरी दिल्ली की यही भावना थी और आज पोलिंग सेंटरों में यही दिखाई देने वाला है जो मैंने कहा था। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के मंत्री ने जो फतवा जारी किया था, उन फतवों को मानने वाले अगर इकट्ठे होकर वोट दे रहे हैं तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले भी आज इकट्ठे होकर वोटिंग देंगे। यानी कि आप अपने जो बात कही थी उससे डिसीजन उस बात पे 100% सब कायम है। मैं अकेला को कायम हूँ, सब कायम है। ये एक निर्णायक चुनाव है। 5 साल दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी थी जिसने कोई काम नहीं किया, जिसने केवल ये बोला कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने केवल टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाया, जिन्होंने केवल देशद्रोहियों को बचाने का काम किया, जिन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया। आज जैसे जैसे कमल का बटन दबता जाएगा, शाम तक शाहीन बाग का तंबू उखड़ जाएगा।